कल किसी ने एक बात पूछी थी कि सनातन धर्म से श्री अरविंद के योग का किस तरह का कनेक्शन है, तो उसमें एक बात हुई थी कि हिज टीचिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दी एंशियंट वेदिक ट्रूथ दैट देर इज वन रियलिटी बिहाइंड ऑल अपीयरेंसेस, और वो बार बार हम लोग उस बात पर आ रहे हैं, और दूसरा कि द इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ सनातन धर्म। नॉर्मली हम लोग जिसको रिलीजन कहते हैं वो एक फिक्स्ड फॉर्मेट, इट टेंड्स टू बिकम रिजिड डॉगमेटिक एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ, लेकिन बाय इट्स नेचर ये इवॉल्व करता है, जैसे जैसे मनुष्य इवॉल्व करता है वैसे वैसे इवन उसके भगवान के कंसेप्शन और संबंध इवॉल्व करते हैं। अगर हम देखें बहुत पहले मनुष्य भगवान के साथ कैसे डील करता था और जैसे वो इवॉल्व करता है, जैसे पहले बाहर मूर्तियां होती हैं, पूजा होती, इवन गॉड जो होते हैं एनिमल शेप्स के, बहुत अगर हम अर्ली ह्यूमैनिटी में जाएं तो एनिमल शेप्स के गॉड्स हैं, बाद में वो एनिमल की जगह ह्यूमन, ह्यूमन बिगिंस टू राइड द एनिमल, देन द गॉड्स बिकम इनसाइड अस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, देन वी डिस्कवर कि दे आर पावर्स ऑफ द वन डिवाइन। तो जैसे जैसे हम इवॉल्व करते हैं वैसे वैसे हमारा भगवान के साथ संबंध भी इवॉल्व करता है, लेकिन रिलीजन्स की टेंडेंसी होती है कि उसको एक फिक्स्ड फॉर्मेट में हमेशा के लिए फिक्स कर देते हैं। जैसे कल बात भी हुई थी कि मंदिर में गए घंटा नहीं बजाया तो कहीं भगवान सुनेंगे नहीं, अब ऑब्वियसली ये फिर उससे सुपरस्टिशन बनने लगता है जो विकास के लिए सहायक नहीं होता है। वी मस्ट यू नो वी गेट स्टक, इसलिए माता जी और श्री अरविंद की राइटिंग्स को डॉगमा नहीं बनाना चाहिए और बना भी नहीं सकते। और उसी कंटेक्स्ट में ये बात हुई थी कि अगर हम श्री अरविंद की राइटिंग्स को ले तो हम इस एंगल से भी ले सकते हैं, उस एंगल से भी ले सकते हैं। इसीलिए ये कहा गया है और माने कहा है कि श्री अरविंद को समझने के लिए इन द ट्रू सेंस वन मस्ट हैव रेड एवरीथिंग दैट श्री अरविंदो हैज सेड ऑन ए गिवन सब्जेक्ट। इनफैक्ट माँ कहती है शुड नॉट बी रेड बुक वाइज बट सब्जेक्ट वाइज। एक विषय पर इतने एंगल से उन्होंने टच किया है इस ट्रुथ को, और अगर हम एक पार्ट को पकड़ लें, जैसे बात हुई थी सुबह के पहले सेशन में अबाउट सिंपली अबाउट द वर्ड प्रोपेगेंडा, एक वर्ड को अगर हम पकड़ लें, अगर हम उसको सारे जो लेटर्स श्री अरविंदो ने नहीं लिखे हैं उस विषय के ऊपर तो वी विल नॉट अंडरस्टैंड कि वो क्या कह रहे हैं। उसी तरह डिवाइन के बारे में, योग के बारे में, ये एक समग्र सत्य है। गीता में इसको श्री कृष्ण कहते हैं समग्रम माम, वन हु नोज मी इन माय टोटैलिटी इन माय इंटेग्रल होलनेस इज वेरी रेयर। हम लोग भगवान के किसी एक एस्पेक्ट को पकड़ते हैं उसको सब कुछ बना देते हैं, लेकिन श्री अरविंद हमको टोटैलिटी ऑफ द डिवाइन उस ओर ले जा रहे हैं, और उस टोटैलिटी में इवन वर्ल्ड इज नॉट एक्सक्लूडेड बट बिकम्स ए ऑब्जेक्टिवाइजेशन ऑफ द वन सुप्रीम। इसी कंटेक्स्ट में वेदों में एक और ट्रूथ आता है सनातन धर्म में, और उसमें ह्यूमन सोल की जो जर्नी है उसको एक युद्ध का रूप दिया गया है। हम लोग पढ़ते हैं, पुराणों में भी पढ़ते हैं, वार बिटवीन द गॉड्स एंड द टाइटन्स। सोल की जो जर्नी है उसमें उसको युद्ध लड़ना पड़ता है, और इस बात पे कई लोगों ने बहुत मिसइंटरप्रेट किया कि ये तो ओरिजिनल आर्यन जो थे वो हरप्पा सिविलाइजेशन थी, और वहाँ से ही जो वैदिक सिविलाइजेशन तो जो इमिग्रेंट्स जो बाहर से आए और उन्होंने उनको ड्राइव कर दिया वो द्रविडियंस हैं और ये आर्यन बन गए। इट इज़ ऑब्वियसली बेस्ड ऑन ए लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनर लाइफ। जब युद्ध की बात होती है और आर्य की बात होती है वो इनर लाइफ की बात हो रही है, और श्री अरविंद इसको बड़े विस्तार से सीक्रेट ऑफ द वेदाज में बताते हैं। इनफैक्ट उन्होंने जो जर्नल जो निकलता था पांडिचेरी से 1914 से 1920 तक उसका नाम था आर्य, तो उन्होंने पहला तो ये क्लियर किया कि मैं ये शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ, इट इज नॉट ए रेशियल टर्म, इट इज ए साइकोलॉजिकल टर्म। कौन थे आर्य, कैसा हमें होना चाहिए, हम इतना कहते हैं भारतवर्ष को ऊंचा उठना है, भारतवर्ष को महान बनना है, बाद में कहते हैं कि नौकरी कितनों को मिली, दैट्स नॉट इंडिया। व्हाट इज इंडिया, व्हाट इज इंडियननेस, इंडिया आर्य सिविलाइजेशन,
आर्य कौन थे, तो कहते आर्य आर शब्द से आता है, रूट से, और फिर उसकी विस्तार में डिटेल में बताकर वो कहते हैं कि एक वो जो किसान है, वो किसान किस सेंस में है, वो भूमि, भूमि क्या है, फील्ड, उसकी अपनी देह मन प्राण, उसको वो जोतता है, हल चलाता है, उसमें जो डिवाइन का बीज है उसको बाहर निकालता है, दैट्स व्हाई ही इज एन आर्य। और दूसरा वो योद्धा है, तलवार लेके लड़ता है, ज्ञान की तलवार से वो अंधकार को निर्मूल करता है, ये वो आर्य है। और ऐसी संतान हम सबको बनना है, अगर हम रियली चाहते हैं कि भारतवर्ष का उत्थान हो, तो इस स्लोगान से कि नौकरी मिल गई, ये जॉब हो गया, इट्स ऑल दैट इज नेसेसरी, बट रियल सेंस ऑफ इंडियन हुड इज नॉट दैट। इंडियन हुड इज टू बिल्ड अवर ह्यूमैनिटी इनटू समथिंग लाइक ए डिवाइन ह्यूमैनिटी ऑफ द फ्यूचर। तो ये जो युद्ध का वर्णन है और योद्धा का वर्णन है, जो एक सोल को का ये जो पॉइज है, जो आवश्यक है, वो योग में बहुत आवश्यक है, और जीवन में इसीलिए हमारे जीवन में युद्ध आता है, ताकि हम चॉइसेस करके तैयार हो सके इनर लाइफ के युद्ध के लिए। अगर हम बाहर की बैटल्स नहीं लड़ सकते हैं, तो इनर लाइफ की बैटल्स कैसे लड़ेंगे, जिसमें तो हमें अपने आप से लड़ना है, विच इज फार मोर डिफिकल्ट। अगर एनिमी बाहर है, आप यहां हो, तो फिर भी ठीक है, आप बच भी सकते हो, लड़ भी सकते हो। किसी ने बड़े सुंदर ढंग से ये बात कही थी कि रामायण युग में राम अयोध्या में है और रावण लंका में है, तो ठीक है, क्लियर कट, ब्लैक एंड व्हाइट है। फिर कृष्ण जी के युग में एक ही कुल में है प्रोटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इट इज नॉट नाउ एज सिंपल एज दैट। और श्री अरविंद के युग में एक ही मनुष्य के अंदर है, तो वार कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये बैटल वही बैटल है, लेकिन अब हमको इसको अपने अंदर लड़ना है, और वो श्री अरविंद हम लोगों को बता रहे हैं। ये पेज 458, ये बड़ी सुंदर बुक है, द बुक ऑफ फेट, जो जानना चाहते हैं कि भाग्य क्या है, क्यों ऐसा होता है हमारे जीवन में, सफरिंग क्यों आती है, पीड़ा क्यों आती है, इसमें कई लेवल्स पर, और टुडे आई हैव चोजन दिस पैसेज, वी कैन चूज सम अदर पैसेज सम अदर टाइम, और दिस इज पेज 458, ये कैंटो 2 है, इस बुक में केवल दो कैंटो हैं, सो ये सेकेंड कैंटो है, द वे ऑफ फेट एंड द प्रॉब्लम ऑफ पेन, 458, 458, द बुक ऑफ फेट, बट द कैंटो इज द वे ऑफ फेट एंड द प्रॉब्लम ऑफ पेन, द सेकेंड कैंटो। नाउ वी स्टार्ट समवेयर अबव। फेट इज ट्रूथ वर्किंग आउट इन इग्नोरेंस। स्टार्ट कहां से करते हैं, क्या हाई टेक ऑफ पॉइंट है। फेट इज ट्रूथ वर्किंग आउट इन इग्नोरेंस। ओ किंग, thy fate is a transaction done at every hour between nature and thy soul. हम लोगों ने सुबह नेचर और सोल की बात की थी। सोल कहती है आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू बिकम वन विद द लॉर्ड। नेचर कहती अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ, इतनी क्या जल्दी है, सुबह देख लेंगे। दे आर टाइड टू ईच अदर, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ, एक पार्ट हमारा कहता है यस, yes, दूसरा पार्ट कहता है नो, एंड वी हैंग बिटवीन द इटर्नल यस एंड द इटर्नल नो। ये हमारी समस्या है। अब देखिए, ये समस्या को पहले करेक्ट समझना चाहिए। तो सोल तो रेडी है, कहती चल खुसरो घर आपने, अब रहना भाई विदेश। सोल कहती कहाँ रहना भाई, अभी तो पार्टी बाकी है। तो ये प्रॉब्लम है, एंड सोल कैनॉट एस्केप लीविंग हर बिहाइंड। ये कंडीशन है, ये टेरिबल कंडीशन है, यू कांट डू दैट। एक ही कंडीशन है इसमें जो हम लोगों ने पढ़ी कि यू कैनॉट लीव। अब हाउ यू विल टेक नेचर अलॉन्ग, ये आपकी यहां पर आपकी पूरी एक्यूमेंट टेस्ट पर होती है। ये पेरेंटिंग का भी ये स्किल है। पेरेंटिंग में कई बार लोग कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, नहीं कॉमन प्रॉब्लम है, क्या पता हमें आता नहीं है उनको बात कैसे सुनानी चाहिए। तो अब दो तरीके होते, दो तरह के पेरेंट, एक होते जो उनको ऑप्शन नहीं देते हैं, कहा ना तो मत कर, पक्का करेगा या रेजिस्ट करेगा, फिर आप उसको ऑप्शंस दो। तो ऐसा कर, ये नहीं कि
पढ़ाई करनी है, खेलने नहीं जाना है। बोलता ऐसा कर, 2 घंटे पढ़ाई करके आधे घंटे खेल ले। अब देखिए आपने उसको ऑप्शन दे दिया। पीपल लाइक टू हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस, उसको एक चॉइस दिया आपने। हाँ ठीक है 2 घंटे, अच्छा 1.5 घंटे से चले, अच्छा 1.5 घंटे करके 20 मिनट तो खेल ले। वो चॉइस करी उसने। यू हैव 3-4 ऑप्शंस इन विच ए पर्सन चूजेस। तो आपका अपने नेचर को धीरे धीरे समझाना है, जैसे बच्चों को समझाया जाता है। ये प्रोसेस है। आप झटके से करोगे एसेटिक के पाथ से तो इट विल नॉट, इट विल रिवोल्ट, रिकॉइल। आज आप कर लोगे पर नेचर, वो क्या हुआ है, वो छुप गया है, कहता है वेट मेरा टाइम आएगा। अभी तो बहुत शांत दिख रहा है ना, सब कह रहे देखो कितना शांत है, आश्रम में जाके क्या प्रभाव पड़ा है। बाहर निकलेगा एक वर्ड सुनेगा सारी शांति भंग हो जाएगी। ये प्रोसेस है योग का, इससे हताश नहीं होना चाहिए। वी हैव टू लर्न द वे एंड दैट वे इज यू हैव टू स्लोली प्रिपेयर नेचर थ्रू, और कई एक्सपीरियंसेस उसमें चाहिए। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि वैदिक ऋषि वो पात्र को कैसे गढ़ा जाता है, अग्नि में वो धीरे धीरे सीखता है। टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा तो पात्र समाप्त हो जाएगा, और अगर बहुत कम रहेगा तो सीखेगा नहीं। तो जैसे खाना पकाया जाता है रोटी को धीरे धीरे करेक्ट टेम्परेचर पर, वैसे ही नेचर धीरे 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 पकता है। ओवर ईयर्स व्हेन यू लुक बैक देन यू नोटिस द चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस। तो अब यहां पर बैक टू सावित्री, पेज सेम है 458। ओ किंग thy फेट इज ए ट्रांजेक्शन डन एट एवरी आर बिटवीन नेचर एंड thy सोल विद गॉड फॉर इट्स फोर्सिंग आर्बिटर। हम तो सुनते थे कि हमारा हिसाब किताब दूसरों के साथ होता है कार्मिक लॉ में, यहां तो श्री अरविंद ने कुछ और ही कह रहे हैं। तुम्हारे नेचर के साथ हिसाब किताब हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर नेचर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो वो सफर कर रही है, नेचर रिस्पॉन्ड कर रही है तो वो जॉय पा रही है, जिसकी कल बात हो रही थी। नाउ कार्मिक लॉ टेक्स ए डिफरेंट टर्न ऑल टुगेदर। गॉड फॉर इट्स फोर्सिंग आर्बिटर। फेट इज ए बैलेंस ड्रॉन इन डेस्टिनीज बुक। मैन कैन एक्सेप्ट हिज फेट, ही कैन रिफ्यूज। चॉइस हमें दी गई है, ऐसा नहीं कि चॉइस नहीं दी गई है। अब कोई बोलेगा ये कैसे है कि हाउ डू आई रिफ्यूज माई फेट। डेथ आपके सामने है, आपको मेलिग्नेंसी हो गई है, सब तरफ वो भर गया है, तो वेयर इज द चॉइस। वी स्टिल हैव ए चॉइस एट द मोमेंट ऑफ डेथ। वट इज द चॉइस? आई विल फाइट, आई विल नॉट एक्सेप्ट, सकम हेल्पलेसली एंड डाई इन डिस्पेयर। आई डोंट डाई, आई लिव इन ए कॉन्शियसनेस वेयर आई डू नॉट डाई। The body can go to pieces, but I refuse to die. अब देखिए ये एक चेंज ऑफ एटीट्यूड है हमारे अंदर। अब बाहर से देखने वाला इस खेल को नहीं जान रहा है, वो कहेगा ये क्या, माता जी को पुकार रहा था, माँ का नाम लेते हुए मर गया, है ना, बाहर से जो देख रहा है। लेकिन क्या हुआ, नाउ दैट Sri Aurobindo विल डिस्क्राइब। मैन कैन एक्सेप्ट हिज फेस फेट, ही कैन रिफ्यूज इवन इफ द वन मेंटेन्स द अनसीन डिक्री। He writes thy refusal in thy credit page. See what happened now. आप वो जो कल बात हो रही थी ना, even till the last moment, and that's what I was saying, the beauty of Nirbhaya. She refuses. आप यूल से क्या refuse होने से क्या फायदा हुआ? She still died. Yes, but she took a leap. That refusal goes into the credit page. Now this is the law of karma. When you struggled against a difficulty, took on the challenge head on. Even if you lose, you have paved the path of victory. After all, जो final victors होते हैं, ऐसे थोड़ी कि सचिन तेंदुलकर एक दिन में वो छक्का मारने लगा या हमेशा वो सेंचुरी मारेगा। He loses, then he perfects himself. And during the training period, several times you have to get hit, you have to become ready. Then the preparation takes place where you can play the game well. So even when there is a refusal, you still die, you are still a winner. So there is no loser as long as there is hope and as long as there is struggle. Loser is one who has decided that he has lost. Sri Aurobindo ka ek aphorism hai, which exact words I may not recollect, but it's that. Who has lost? Who have accepted defeat.
If you have not accepted defeat, you have not lost, even if for the world you have lost. And these are the stories which inspire us. Look at, you know, Sikandar aur Porus ki kahani. Ki wo har gaya hai. Do kahaniyan hai jo badi isme inspiring hai. Wo har gaya hai. Aur Sikandar usko pakadta hai aur kehta hai, main kaisa bartav karun tere saath? Kehta hai, jaisa ek raja ko raja ke saath karna chahiye. Kehta hai, har gaya to kya hua? Hoon main raja? So he is very impressed ki Bharatvarsh mein aise log rehte. He must have been shaken to the core. और दूसरी कहानी है पृथ्वीराज चौहान और कौन था वो बदमाश गौरी. मेनी ऑफ पीपल नो दिस स्टोरी नो. फाइनली ही लॉस्ट, उसको अंधा बना दिया पृथ्वीराज चौहान को. तो उसे पूछा, कहा, वो कहता है कि सुना है कि तेरी बहुत कला है शब्द वेदी बाण चलाने की. अब एम्यूजमेंट बना रहे हैं उसको कि तुम हमें डेमोन्स्ट्रेट कर, हार गया, अंधा हो गया है. तो कहते हैं ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए इसमें. मेरा वो जो पोइट है चंद बरदाई, उसको मेरे साथ में बैठ जाए. तो बैठ गया. तो सुल्तान भी बैठा हुआ है. नो दिस स्टोरी इज वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी, चिल्ड्रन नो दिस स्टोरी. अच्छा, सो बैठा हुआ है वहाँ सुल्तान और ये शब्दवेदी बाण चलाएगा कि वहाँ घंटा बजेगा और बाण चलाएगा. इधर चंद बरदाई देख रहा है कि सुल्तान कहाँ बैठा है और वो कहता है उसको, आठ बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चुको चौहान. सुल्तान वहां बैठा है, कोऑर्डिनेट्स मैं तुझे दे रहा हूं, इमेजिन. एंड ही शूट्स द एरो एंड किल्स द मैन. नाउ दिस इज कॉल्ड नॉट एक्सेप्टिंग डिफीट. दिस इज द स्पिरिट ऑफ द समुराई एंड दिस इज द स्पिरिट ऑफ द वॉरियर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ. ये स्पिरिट नहीं है तो ये योग तो हो नहीं सकता. कोई योग नहीं हो सकता, बिकॉज सेवरल टाइम्स ऐसे अवसर आएंगे जब लगेगा कि ओफ आई एम अनवर्दी, आई एम अनफिट. उस समय रिफ्यूज करना है कि नो, आई एम ए चाइल्ड ऑफ द मदर एंड आई कैन नॉट फेल. सो यहां पर वो कह रहे हैं, इवन इफ द वन मेंटेन्स द अनसीन डिक्री, ही राइट्स दाई रिफ्यूजल इन दाई क्रेडिट पेज, फॉर डूम इज नॉट ए क्लोज ए मिस्टिक सील. डूम की बात हो रही थी ना, लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन सब खत्म कभी नहीं होता है. कुछ है जो बचा रहता है. दैट इज वाई पीछे कौन बैठा है, दूसरी तरफ अर्थ सोल. सोल अविनाशी है, इट विल रिटर्न बैक. एरिजन फ्रॉम द ट्रेजिक क्रैश ऑफ लाइफ. देखिए, कोई व्यक्ति जीवन में हार मान के बैठा हो, दुखी बैठा हो, उसको ये पंक्तियां सुना दे तो खड़ा नहीं हो जाएगा. हम लोग कितनी बातें करते हैं, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरा निबोधता. लुक एट दीज लाइन्स, दे फार सरपास बोथ इन देयर पावर, देयर रिदम, देयर मैग्नीट्यूड. बट वी डोंट नो, ये ट्रेजर से हम वंचित हैं. सावित्री से अभी भी हम वो कोट करते हैं, यस दैट इज पावरफुल. सुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या कवियो बदंती, यस इज पावरफुल. लुक एट दीज लाइन्स, एरिजन फ्रॉम द ट्रेजिक क्रैश ऑफ लाइफ. The spirit rises, I missed a line, arisen from the body's torture and death, the spirit rises mightier by defeat. Its godlike wings grow wider with each fall. We come back to karma theory. That means there is no punishment. It rises mightier with each defeat. Its godlike wings grow wide with every fall. हर बार जब हम गिरते हैं, चाहे बाहर के जीवन में या आंतरिक जीवन में, बहुत बार ये पलटी खाना, शुरू में हमको लगता है कोई और पलटी खिला रहा है, बाद में देखते हैं कृष्ण जी ही हैं, वही पलटी दे रहे हैं. शेरविन दिखते हैं कैफरिज्म में, व्हेन आई डिस्कवर्ड इट्स द इटरनल ट्रिक्स्टर, वो आके हमसे रेसलिंग मैच कर रहे हैं, अब हम उनसे कैसे जीतेंगे. पर वो कहते हैं उठो युद्ध करो, मास्क, भयानक मास्क पहन के आते हैं. द मास्क ऑफ टेरर एंड डेथ, कालोस्मि भव लोक शेखरत प्रबद्धो. कौन विनाश कर रहे हैं, कृष्ण ही है. सो जब हम ये डिस्कवर करते हैं, देन वी प्ले द गेम वेल, नोइंग दैट हार भी तेरी जीत भी तेरी, है ना. खुसरो दरिया प्रेम का, नहीं क्या, खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेली तेरे संग, जीत गई तो पिया मेरे, हारी पी के संग. Either ways, I am yours. Play the game well. Play it with fullness. ये है आर्य सभ्यता, सनातन धर्म. ये आधा अधूरा, ये बीच में सन्यासी, अवघड़,
उधर चले गए जी, थोड़ी देर गंगा तट पर बैठ गए, उन्होंने कह दिया ये माया है, माया देकर वो माया बटोर ले गए। माया बोलते बोलते उनका ध्यान चढ़ावे के ऊपर है। नहीं, ये फॉल्सहुड्स है ना समाज के, हमें एक्सपोज करनी चाहिए। हमें तो कह रहे माया है, खुद उनका ध्यान माया के ऊपर है, ये क्या हिपोक्रेसी है? क्या करोगे आप तो सन्यासी हो। लीव इट, से बाई विथ करेज, यस इट्स वेल्थ एंड आई वॉन्ट टू यूज इट फॉर समथिंग ब्यूटिफुल एंड गुड। दैट इज वॉट आई लाइक अबाउट Sri Aurobindo एंड द मदर। दे डिडंट रिजेक्ट मनी एज माया, बट एट द सेम टाइम दे डिडंट रन आफ्टर इट। उन्होंने कहा एक आइडियल साधक कैसा होना चाहिए, अगर मनी आता है तो यूज इट डिवाइनली, अगर नहीं है तो लिव लाइक एन एसेटिक। दैट इज द आइडियल साधक इन दिस योगा। सो यहां पर द स्पिरिट राइज इज माइटियर बाई डिफीट, इट्स गॉड लाइक विंग्स ग्रो वाइडर विद ईच फॉल, इट्स स्प्लेंडेड फेलियर्स सम टू विक्ट्री। जो आज जीता है वो कल हारा था, जो आज हारा है कल जीतेगा। इसको कहते हैं कल्याण श्रद्धा। पर हार जीत किससे हो रही है? अपने ही आप से हो रही है, किसी बाहर वाले से नहीं हो रही है। अब देखिए, इसीलिए अब टेररिस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। टेररिस्ट, टेररिस्ट क्या करते हैं? टेररिस्ट आपको टेरोराइज करते हैं। कश्मीर में क्या हुआ? वो टेरोराइज कर रहे थे, हम टेरोराइज हो गए। अगर उस समय एक करेज के साथ पीपल टुक इट, वी डोंट एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस, व्हाई शुड वी गो, वी विल फाइट बैक, वी वुडंट हैव फेस दिस सिचुएशन। ठीक है, यू आर एनीवेज डाइंग, एनीवेज यू आर डाइंग, फाइट एंड डाई, एटलीस्ट देर इज अ ग्लोरी इन दैट रादर देन जस्ट एन एस्केप, वीक एस्केप। तो ये यहां पर ये हमको कि इट्स स्प्लेंडिड फेल्योर सम टू विक्ट्री, इट विल पेव द वे वन डे टू विक्ट्री। ओ मैन, द इवेंट्स दैट मीट दी ऑन दाई रोड, दो दे स्माइट दाई बॉडी एंड सोल विद जॉय एंड ग्रीफ, आर नॉट दाई फेट। अब एक और नई बात बता रहे हैं, अरे दुर्भाग्य, देखो अच्छा खासा शेयर में उसने इन्वेस्ट किया था, करोड़ों रुपए डूब गए, बर्बाद हो गए। इवेंट्स दैट मीट दी ऑन द रोड, दैट इज नॉट फेट। तो फेट क्या है? ये तो एक घटना है, बाहर बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। आप जुड़े हुए थे इसलिए वो घर आपका था, तो आप सॉरी फील कर रहे हो, उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, वो मैटर है, मैटर का एक इम्परफेक्शन था, द एरर वाज एंड इट वाज बर्न डाउन। एनीवेज कोई चीज किसी की होती नहीं। आर नॉट दाई फेट, इवन डेथ कैन कट नॉट शॉर्ट दाई स्पिरिट्स वॉक, thy goal the road thou choosest are thy fate। fate ये नहीं कि रास्ते में घटनाएं क्या हो रही हैं, fate है जो अंत में आपके साथ होने वाला है और वो चुनाव आप करते हो। गाड़ी में बीच में इंजन भी फेल होता है, अच्छे लोग भी आते हैं, कोई अचानक पर्स भी ले जाता है, ये सब होता है गाड़ी में। पर अंत में क्या होता है? टिकट जहां का आपने काटा है, डेस्टिनेशन तो वही है, उसी से डेस्टिनी वर्ड आता है। डेस्टिनेशन इज योर डेस्टिनी, कौन सी गाड़ी चुनी और कौन सा आपने, कौन सा पथ चुना और कौन सा गोल चुना, वो फेट है हमारा। अगर हमने चुना है योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो वो फेट है हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन विल बी। अगर हमने चुना है कि हम जीवन में हेल्पलेस रहेंगे जी, संसार का कुछ हो नहीं सकता, तो हमने ये फेट चुना है, वी कांट हेल्प इट। सो दिस इज द गोल द रोड दाउ चूजेस्ट आर दाई फेट। ऑन द ऑल्टर, अब देखिए यज्ञ का वो संसार है, ऑन द ऑल्टर थ्रोइंग दाई थॉट्स दाई हार्ट दाई वर्क्स दाई फेट इज ए लॉन्ग सेक्रीफाइस टू द गॉड्स। अब हम क्या चाहते हैं कि हमें फल मिले, बस वहीं से हमारी फर्स्ट स्टेप नहीं होता। और गीता क्या सिखाती है? पहली चीज निष्काम कर्म, इवन स्पिरिचुअल लाइफ में निष्काम कर्म। मुझे क्या एक्सपीरियंस मिलेगा? अच्छा गुरुजी, आप प्रॉमिस करते हो कि मुझे 5 साल बाद निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी अगर उनको धन राशि चाहिए तो प्रॉमिस कर देंगे आपको, 5 साल क्यों, 3 साल में मिल जाएगा, 3 साल भी क्यों, अगर तू $10,000 वाला कोर्स कर लेगा तो 2 हफ्ते में मिल जाएगा। फास्ट फूड का जमाना है, मैकडॉनल्ड्स, मैकडॉनल्ड गुरुज। पर अगर आपको जेन्युइन
पथ चाहिए तो ऐसा नहीं है, उपनिषदों के तो ऋषियों ने कह दिया सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना, ऐसे नहीं मिलता है। ये सुरक्षा धारा निशिता दुरत्या कवियो वदंती रेजर्स एज, जिस किसी भी आप जेन्युइन, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। किसी ने ऐसे कहा है कि बस ये मॉडर्न टेंडेंसी है कि आपने ऐसे बैठोगे मेडिटेशन हो भगवान मिल जाएगा इतना। यस मे बी फॉर श्री कृष्ण को विद ए वर्ड और राजा जनक, बट देव ए बैकग्राउंड टू देम, पूरा एक बैकग्राउंड है। वो लास्ट मोमेंट होता है जब अंडे में से चीक निकलती है, लेकिन वो तैयारी तो हुई है ना, वो सेकना सेना ये सब हुआ है। दैट लास्ट मोमेंट यस इट्स ए मोमेंट, बट देर इज ए होल हिस्ट्री बिहाइंड दैट मोमेंट। सो यहां पर हमें अपना काम करते जाना है एज ए सेक्रीफाइस। कब क्या मिलेगा, वी शुड लीव इट टू द हैंड्स ऑफ फेट। टिल दे हैव ओपन्ड टू दी दाई सीक्रेट सेल्फ एंड मेड दी वन विद द इनडवेलिंग गॉड। अब ये गॉड्स कौन है, दे आर दी पर्सोनिफिकेशन एक्चुअल बींग्स, बट अगर हम लोग मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो वी कैन से पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिवाइन क्वालिटीज विद इन अस। तो दाई फेट इज ए सेक्रीफाइस टू द गॉड्स। अब क्या सेक्रीफाइस करना है, वी हैव ए चॉइस, लेट्स से बिटवीन कंपैशन एंड सेल्फिशनेस, चूज कंपैशन। इसलिए आप देखो गीता में वेरी इंपॉर्टेंट अध्याय 16वां अध्याय देवासुरी संपदा, गैदर दैट वेल्थ ऑफ द गॉड्स। जीवन का पथ ऐसे ही निकलता है, आपने एक समय क्या चुनाव किया, आपने कितनी देर मेडिटेशन किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहर आए आपने काइंडनेस और कंपैशन चुना या आपने एक हेट्रेड और वेंजियंस चुना। अगर आपने हेट्रेड और वेंजियंस चुना तो एक पथ है, और काइंडनेस और कंपैशन चुना तो दूसरा पथ है। आपने लव चुना कि हेट चुना, दिस गॉड्स, लाइट का रास्ता चुना या डार्कनेस विच कम्स वेरी इजली। सो यहां पर गॉड्स, तो व्हेन वी ग्रो इन दीज क्वालिटीज देन व्हाट हैपेंस, ए डे कम्स व्हेन द डोर ओपन्स टू द इनडवेलिंग गॉड। द गॉड से कि अब हम तुम्हें यहां तक ले आएंगे, सावित्री के योग में भी आता है लास्ट में गॉड्स दे टेल हर कि यहां पे तुम यू विल फाइंड योर सीक्रेट सेल्फ। सो वी हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अवर नेचर। अब ये और ये बहुत सिंपल वे में माने क्वालिटीज बताई हैं 12, और एक है माँ का 5 साइकोलॉजिकल परफेक्शंस। ऑल दैट वी हैव टू डू इज टू डेवलप देम, ग्रैटिट्यूड। रोज सुबह उठते हैं, ओ ये फिर दिन हो गया, आज ये करना है, इससे मिलना है, ग्रैटिट्यूड, दिन तो हो गया, आई हैव ए न्यू चांस, मे बी थिंग्स विल वर्क आउट बेटर, वाई नॉट, ओ लॉर्ड आई एम ग्रेटफुल टू यू, वाई, सिंपली बिकॉज यू आर, दैट्स इट। क्या चाहिए ग्रेटिट्यूड के लिए, आप हो ना बस, भगवान भी कहते मैं हूं ना, सो ग्रेटिट्यूड। सो व्हाट क्वालिटी, जेनरोसिटी। जेनरोसिटी केवल धन की नहीं है, जेनरोसिटी ऑफ थॉट, जेनरोसिटी ऑफ फीलिंग, क्षमा, फॉरगिवनेस, इट कम्स फ्रॉम दैट। ठीक है, इट्स ओके, जेनरस हार्ट जो होता है वो क्षमा कर देता है, हृदय के अंदर वो कांटा चुभा के नहीं रखता, और वो कांटा पीड़ित किसको करता है, खुद को ही पीड़ित कर रहा है ना। तो ये सारी क्वालिटीज, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय सेक्रीफाइस टू द गॉड्स। हाउ इट इज ए सेक्रीफाइस, क्योंकि हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन था, हमने वो नहीं चुना, हमने ये ऑप्शन चुना, नाउ देयर इज ए सेक्रीफाइस। एक जो नेचुरली आ रहा था क्रोध, हमने वो ऑप्शन नहीं चुना, हमने उस क्रोध को सेक्रीफाइस किया इन द फायर ऑफ एस्पिरेशन। तो हमारी साइकिक ने कहा कि नहीं, ये तुम पर शोभा नहीं देता है, अशोभनीय है, ये क्या कर रहे हो तुम, घृणा कर रहे हो, ये तुम्हारा पथ है, ये तुम्हारा लक्ष्य है। तो आप बोले छोड़ो कोई बात नहीं, कितना भी मुश्किल हो जाओ मैं क्षमा करता हूं। शुरू में ऐसे होगा, धीरे धीरे वो नेचुरल हो जाएगा, और जब नेचुरल हो जाएगा मतलब गॉड्स आर ग्रोइंग इन अस, बिकॉज दैट्स हाउ दे आर। रिवर्स भी, यानी कि नॉन वायलेंट, करेज, सुना चुना हमने फियर। फियर कब कब हम चुनते हैं, किसी को प्लीज करने के लिए हम झूठ बोल देते हैं, ठीक है ये संसार में ये झूठ चलता रहता है, पर आपने चुनाव किया करेज, नहीं मैं वो कहूंगा जो उचित है, जो सही है, दूसरे क्या कर रहे हैं ये नहीं मैं चुनूंगा, इतनी करेज, रिकॉग्नाइजिंग वन्स ओन मिस्टेक, करेज चाहिए ना। इसमें दो व्यक्तियों में बातचीत हो गई, आपको पता चल रहा है कि गलती मेरी है, नहीं पता चल रहा तो बहुत ही गई गुजरी अवस्था है,
पता चल रहा है कि गलती मेरी है, हो सकता है दोनों की है, हो सकता है इसकी ज्यादा हो मेरी कम हो, पर इसमें क्या जाता है कि यस आई शुडंट हैव डन दैट। छोटी सी चीज है ना, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था, कह दिया मैंने मुझे आई शुडंट हैव सेड। सी हाउ इट विल मेक लाइफ ब्यूटीफुल, दिस इज कॉल्ड लिविंग फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स एंड इट विल हेल्प द ग्रोथ ऑफ द गॉड्स इन अस। इट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस करेज, एक अपनी मिस्टेक को रिकॉग्नाइज करना, इट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस करेज कि मैं भी फॉलेबल हूं एक किसी भी साधारण मनुष्य की तरह। एवरी डे वी लर्न दीज थिंग्स, इरिटेट हो जाते हैं हम लोग कभी छोटी सी बात पर, हो जाते हैं, ह्यूमन एक इम्पल्सिव रिएक्शन है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम मीन्स कि इट्स ओके, वी गेट इरिटेटेड, नाउ वी शुड गो विद इन एंड सी कि यस इट वॉज नॉट राइट ऑफ मी टू बी इरिटेटेड। ये जरूरी नहीं कि हम उस व्यक्ति को बोलें, पर अपने अंदर उस चीज को करेक्ट करें, भगवान आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस इरिटेबिलिटी, तो क्या होगा, वो प्यूरिफाई होगा। सो आवर लाइफ इज ए लॉन्ग सेक्रीफाइस टू द गॉड्स। अब वो रहस्य बता रहे, ओ सोल इंट्रूडर इन नेचर्स इग्नोरेंस, आर्म्ड ट्रैवलर टू द अनसीन सुपरनल हाइट्स, थाई स्पिरिट्स फेट इज ए बैटल एंड ए सीज एंड सीजलेस मार्च अगेंस्ट इनविजिबल अपोनेंट पावर्स। ये जो वैदिक ट्रूथ है, सनातन धर्म ही ये है, thy fate is a battle, thy life is a battle, unseen powers, opponent powers, ye marg mein aayengi, kyun aayengi, because we have plunged into ignorance, so ignorance to phir easily give up nahi karegi, to kis ek jagah Sri Aurobindo dikhte hain ki jo mokshvadi ya illusionist, moksh in the true sense nahi, illusionist, mayavadi, wo kehte hain ye sansar to aise hi hai, andhkar se bhara hua hai, kaanton se bhara hua hai, tum apna rasta khoj lo bahar jane ka। श्री अरविंद कहते हैं, इफ दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ डार्कनेस, ऑल द मोर रीजन दैट चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टेलिटी एंड लाइट मस्ट प्लंज इन टू इट। ये होना चाहिए ना हमारे अंदर ये जज्बा, अंधकार है तो लाइट क्या अंधकार से भागेगी, इट शुड बी द अदर वे राउंड, अंधकार है प्रकाश कहेगा आई विल गो देयर। वो कल भी बात हो रही थी किससे कि एक मैंने पढ़ा था कि एक कुछ जैन स्क्रिप्चर से एक विचारधारा है कि कृष्णा इज सफरिंग इन हेल, तो फिर ये बात हुई कि भाई ये इसका क्या मतलब है, तो उनका तो ये मानना है कि भाई कृष्णा इज सफरिंग इन हेल क्योंकि उन्होंने मारने का कारण बने, तो आई सेड आई हैव अ डिफरेंट टेक ऑन इट, माय टेक ऑन इट इज इफ कृष्णा कैनॉट गो इन टू हेल टू रिडीम, हु एल्स हैज द पावर टू गो। जहां लोग इतना पीड़ा में है, कृष्ण आनंद में ही जा सकते हैं वहां की, मैं आई विल गो देयर। ये तो श्री अरविंद ने सिखाया कि ही हु वुड ब्रिंग द हेवंस हियर मस्ट डिसेंड हिमसेल्फ इनटू क्ले एंड द बर्डन ऑफ अर्थली नेचर बेयर एंड ट्रेड द डोलरस वे, गॉड सिंग माय गॉडहेड आई हैव कम डाउन इनटू दिस सॉलिड अर्थ, इग्नोरेंट लेबरिंग ह्यूमन ग्रोन ट्विक्स्ट द गेट्स ऑफ डेथ एंड बर्थ, ऑल द मोर रीजन वी शुड, सो सोल हैज कम इनटू इग्नोरेंस नॉट टू रन अवे, नहीं तो ये तो एब्सर्डिटी है, ये जो इल्यूजनिज्म है बड़ी एब्सर्डिटी है कि हमें पहले फंसाया क्यों, बाद में कह दिया ये माया है, अब कहते हैं इसको छोड़ के आ जाओ, मतलब भगवान की थोड़ी तो लॉजिकल कॉमन सेंस होनी चाहिए, या वाज ही हेल्पलेस अगेंस्ट सम माया, तो वो जब हेल्पलेस थे तो हम तो फिर नेचुरली हम उन्हीं की संतान है, नन ऑफ दिस, इट्स ए डिवाइन प्लान, बिकॉज ही इज ऑल माइटी ही कैन चूज टू बिकम वीक, और हम कौन है, उनके एजेंट्स हैं, एजेंट्स ऑफ लाइट, एंटर्ड इन टू, नॉट एजेंट्स इन दैट सेंस धन वाला एजेंट, बट एजेंट्स इन द ट्रू सेंस कि वी आर एजेंट्स ऑफ लाइट। ये अंधकार है और हम सबको वो अंधकार अपने अंदर धारण करना पड़ता है टू चेंज इट, दैट इज कॉल्ड इन क्रिश्चियन मिस्टिसिज्म बेयरिंग योर ओन क्रॉस। अब उसका भी रिचुअल उन्होंने बना दिया है, क्रॉस ऊपर टांग करके वो घसीटते हुए ले जाते हैं, ये सब जगह ही है, फुलिशनेस है, या वो पीटते रहते अपने आप को, हाय उससे नाम ना हुए, it doesn't mean that, it simply means that now I am bearing my cross, let me take care of things, जो darkness जो मेरे अंदर है उसको मैं प्रकाशान्वित करूं, फिर संसार की darkness by natural extension होगी। A passage from matter into timeless self, adventurer
through blind unforeseen time, a forced advance through a long line of lives, it pushes its spearhead through the century. Spearhead, yahan soul ko unhone spearhead. Vedo mein purohit, soul is the purohit, the psychic. Wo kar raha hai havan, not bahar. Bahar ka purohit should be one who has realized the soul, otherwise he's not worthy of being a purohit in the true sense of the word. So it's a spearhead point jo push kar raha hai, push kar raha hai. To aap dekhenge ki wo hathoda kahin par aap marte hain, ultimately with that small point jis par aap hit kare, that concedes. So the soul pushes through centuries, it is marching forward across the dust and mire of the earthly plane. Earthly plane is here matter. Bar bar wo matter mein aata hai, push karta hai matter ko change karne ke liye. Aur ye change aa raha hai. Agar hum dekhe, log, you see one simple example, you know, of the change. Look, 100 years back, 300 years back, 200 years back, guillotining people was a way of life. Phansi pe latka dena, maar dena. Ab jab ye cheez hoti hai, तो क्या होता है? बहुत हो हल्ला होता है. ऐसे कैसे हो गया? हाउ कैन दिस बी? बिकॉज पीपल आर रिजेक्टिंग दिस आइडिया. पहले इट वॉज ए वे ऑफ लाइफ, इट जस्ट यूज टू क्रिएट ए सेंसेशन. अरे उस गली में वो मरा हुआ पाया गया, किसी ने मार के डाल दिया होगा. इतना इनसेंसिटिविटी थी. 100 ईयर्स बैक वो सिविलाइज नेशंस फांसी पर लटका रहे थे लोगों को. अभी भी कहते हैं वी आर सिविलाइज. हो रहा था ना ये, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. But today people raise issues, raise questions. क्यों? मनुष्य की अंतश्चेतना उसको reject कर रही है. They say this is not acceptable. This is the first sign of the change, that human consciousness is rejecting what was acceptable. 10 साल पहले corruption was a way of life. चलता है यार ये, ठीक है ये तो करना पड़ता है. आज हम कह रहे हैं नहीं, हमें नहीं चाहिए, नहीं चलता है. चाहे अभी भी अगर है तो at least we are aware कि no, this is not what we want. We want a different लाइफ. सो यहां पर उसका वर्णन है. ऑन मेनी गार्डेड लाइन्स एंड डेंजरस फ्रंट्स इट्स डायर असॉल्ट्स इन वुंडेड स्लो रिट्रीट्स होल्डिंग द आइडियल्स रिंग्ड एंड बैटर्ड फोर्ट. इट्स अमेजिंग. ये सब एक्सपीरियंसेस से सोल को गुजरना होता है एक एक लाइफ में. किसी को शायद कहीं को पता होगा जो ये सुनते रहे, यू नो, वन ऑफ श्री अरविंदोज प्रीवियस लाइव्स इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ही वाज दौंतन. यू नो दौंतन के साथ क्या हुआ था? 38 इयर्स की एज में उसको गिलोटिन दे करके ही वाज बिहेडेड. कैन यू इमेजिन? ही वेंट थ्रू इट. व्हाई? टू फाइट फॉर द आइडियल ऑफ फ्रीडम. फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नारा था ना, फ्रीडम, ब्रदरहुड, Liberty, equality and brotherhood. So he fought for that. And even though that time it was a failure, mind you. Yes, it was a failure in the sense ultimately it all vanished. Sare koi incarcerate ho gaya, koi betray kar diya kisi ne, Napoleon to ek jagah jaake shut ho gaya. It happened, the whole. But today, people, now today look at the victory which has come. Everybody asks for liberty, equality and fraternity. It has not failed because it stirred, it awakened the human masses. Same with 1857 Swatantra Sangram. Was it a success? No, outwardly. But today when we talk about the Swatantra Sangram, generally, of course, uske pehle bhi fights hui thi, but let's talk of, you know, just the conventional history the way it is. It was with that these three persons who said, no, no, this is not acceptable. We fight. Everybody told them, you will lose. Doesn't matter, we'll fight. And they fought. And they died. And they lost. And they won. That is the last verdict. Last verdict is, and they won. The lineage continued. So that is the warrior attitude we should have. And many lives, human beings have to go through. Bina kshatriya bhav se gudre bina ye yog. ये योग क्या? कोई भी योग नहीं किया जा सकता. बिकॉज यू वन हैज टू फाइट अगेंस्ट डार्कनेस एंड इग्नोरेंस. एंड वन उसके पहले ये बैटल्स जो आउटर बैटल्स वो कहते हैं ना श्री कृष्ण अर्जुन को कि हम दोनों ने साथ साथ कई युद्ध लड़े हैं, कई जन्मों में हम लोगों ने साथ काम किया है.
तो भूल गया है, मुझे याद है। ऐसे थोड़ी कि वो अचानक इतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बन गया डिवाइन का। सो हियर इज दैट एक्सप्रेशन, होल्डिंग द आइडियल्स रिंग्ड एंड बैटर्ड फोर्ट, और फाइटिंग अगेंस्ट ऑड्स इन लोनली पोस्ट्स, और कैम्प्ड इन नाइट अराउंड द बिवॉक्स फायर्स, अवेटिंग द टार्डी ट्रम्पेट्स ऑफ द डॉन। अब ये भी है, शेरविन तो एक जगह बाजी प्रभु में लिखते हैं, एंड आई लव टू रिकाउंट बट आई हैव रिकाउंटेड सो मेनी टाइम्स दैट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट नाउ, कि होल्डिंग द लोनली फोर्ट या कैंप बिवॉक्स फायर, वहां लोग बैठे हैं, सुबह कब होगी, कब सुबह होगी और हेल्प आएगी, रात हमें गुजारनी है, एनिमी ने सराउंड करके रखा है। शिवाजी की लाइफ में तो कितने ऐसे इंस्टेंसेस थे ना, एक बार तो उन्होंने ऐसे ही चीट कर दिया एनिमी को, जब वो एनिमी आया फाइट करने, वो कौन था, वो हाँ हाँ सम बैड मैन अफजल खान, ओके अफजल खान। सो शिवाजी के पास तो बहुत हैंडफुल ऑफ आर्मी थी, ये बिवॉक्स फायर से ये मुझे लाइन वो याद है। तो उन्होंने क्या किया, कहा कैसे लड़ेंगे, तो उन्होंने चारों तरफ मशालें जलवा दी, इतनी मशालें जलवा दी। अब रात को जब एनिमी आया तो वो कहता है यार ये तो सीन कुछ और है, किसी ने कहा था बहुत कम लोग हैं, यहाँ तो इतने दिख रहे हैं। ही वॉज ड्यूप्ड कि ये हो नहीं सकता, इतनी बड़ी सेना से हम नहीं लड़ सकते, सेना नहीं थी मशालें थी। या इवेंचुअली ही वन, ही किल्ड हिम, हाँ लोंगोवाल, यस, सो मेनी अदर बैटल्स आर लाइक दैट वेयर यू नो होल्डिंग द फोर्ट अलोन। इवन अभी एक मूवी बनने वाली है, एक बड़ी फेमस बैटल जिसमें ऑल ऑफ देम डाइड बट दे हेल्ड द पोस्ट। ना ये एक वीरता का भाव चाहिए योग, योग के रास्ते में एक हीरोइक सेंस। सो व्हाट, निर्वाण मिल जाए, मेरा कुछ कर दो, दिस इज नॉट द अप्रोच। लेट मी व्हाट एवर हैपेंस आई लिव फॉर द डिवाइन, जो होगा देखा जाएगा, कटाए सर जो उल्फत में। करते हैं ना लोग ह्यूमन लव के लिए, करते हैं सिर कटा देते हैं, काट डालते हैं, तो व्हाई नॉट फॉर डिवाइन लव। माने सिर कटाने का मतलब ये नहीं है, बाहर का सिंबॉलिकली अहंकार की तिलांजलि, आज नहीं कल देनी है, और धीरे धीरे देंगे तो पेन होगा, एक ही साथ वस्त्र हरण हो जाए पूरा। तो गोपियों का जो सिंबल है कि अब आपके सामने हम कब तक छिपाएंगे अपने को वर्चू के रोब में बांधे हुए, अब तुम तो छोड़ोगे नहीं, चलो ठीक है हम निर्वस्त्र होके आपके सामने आ गए। दिस इज दी सेंस, इनर सेंस ऑफ दिस, द ईगो का जितने भी रोब्स हैं, रोब ऑफ वाइस एंड द रोब ऑफ वर्चू, आई एम ए वेरी नाइस ह्यूमन बींग, साधु बच्चा हूँ, देखो कितने लोग भगवान को जाके हम इम्प्रेस करते हैं, देखिए हमारे कितने डिसाइपल्स हैं, सब मुझे मानते हैं गुरु जी गुरु जी। गॉड विल नॉट बी अम्यूज्ड, यू विल से यस, दे आर फूलिंग देमसेल्व्स एंड यू आर फूलिंग योर सेल्व्स एंड यू आर ऑल्सो फूलिंग अदर्स। सो वी हैव टू बी सो केयरफुल, इट्स ए वार, इट्स ए फाइट अगेंस्ट विद इन वन सेल्फ। इन हंगर एंड इन प्लेंटी एंड इन पेन, ये वर्ड नो मीराबाई लाइन, करना फकीरी फिर क्या दिल गिरी, सदा मगन में रहना जी, कहो तो मोतियन मांग जड़ावा, कहो छिटकारा की। नाउ सी हाउ श्री अरबिंदो गिव्स इट ए टोटली नोवेल थिंग, इन हंगर एंड इन प्लेंटी एंड इन पेन। अब किसी ने श्री अरबिंद को, हमारे पास आश्रम में ये होना चाहिए, ये एक चीज की कमी है, श्री अरबिंद देख जाए लिखते हैं व्हाट रोज पेटल्ड साधक यू आर, रोज पेटल प्रिंसेस साधक, कि भाई तुम थोड़ी सी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, यहां तो युद्ध लड़ना है तुम्हें, पर फिर भी उनकी करुणा है, ही शील्डेड एवरीबडी एंड टुक मदर एंड श्री अरबिंदो टुक अपॉन देमसेल्स, जितने वो जैसे वो श्री कृष्ण अपने ऊपर लेते रहे थे सबके घाव को, सबकी प्रॉब्लम, टैक्स ऑफ नाइट वो देते रहे, जब कोई रात आके पूछती थी ये लोग को कैसे आप ट्रांसफॉर्म करोगे, इसके अंदर ये डिफेक्ट है वो डिफेक्ट है, वी नीड आवर टैक्स, मां श्री अरविंद कहते थे चल मैं दे देता हूं, एंड दे सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट, दैट इज द रीजन फॉर दिस सफरिंग एंड इवेंचुअल विथड्रॉल, कि अब थोड़ा सा इनको मजबूत बनने दो,
अभी हमने उंगली पकड़ के यहां तक चला दिया, बहुत टैक्स दिया है, नाउ लेट देम फेस. अभी भी वो करते हैं लेकिन वी मेनी टाइम्स पीपल डोंट फील द प्रेजेंस सो दे फील द सेंस ऑफ स्ट्रगल. सो दिस इज द सीक्रेट ट्रूथ दैट इन हंगर एंड इन प्लेंटी एंड इन पेन थ्रू पेरिल एंड थ्रू ट्रायम्फ एंड थ्रू फॉल थ्रू लाइफ्स ग्रीन लेन्स एंड ओवर हर डेजर्ट सैंड्स. अब शेयरविन जब एक इमेज लेते हैं, सावित्री में बहुत सारी इमेजेस हैं, वो कंसिस्टेंटली उस इमेज के साथ प्ले करते हैं. बहुत सारी इमेजेस हैं सावित्री में जहां उन्होंने, वी कैन यूज द वर्ड एनालॉजी, इमेजेस. एक जगह प्रिंटिंग प्रेस की इमेज लेंगे, फैक्ट्री की इमेज लेंगे, अकाउंटेंट की इमेज लेंगे, या वो वकील की इमेज लेंगे, तो वो इमेज के साथ, वो पूरी परफेक्शन के साथ. अब देखिए यहां पर अब इमेज वॉरियर की है. अप द बॉल्ड मूर अलोंग द सनलिट रिज इन सेरिड कॉलम्स विद ए स्ट्रैगलिंग रेयर लेड बाई ए नोमैड वैनगार्ड्स सिग्नल फायर्स मार्चेस द आर्मी ऑफ द वे लॉस्ट गॉड. सोचिए सेरिड कॉलम्स, हम सब जा रहे हैं, आज जाना है. वी हैव ट्रस्ट दैट मदर एंड शुड हैव सेड. अब किसी से आप पूछेंगे, अच्छा लेकिन रास्ता पता है? पता नहीं, ऐसे मान के चलना शेरविन माता जी ने बताया इसलिए आश्रम में कोई किसी को मार्ग नहीं बताता है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होगा. मार्चेस द आर्मी ऑफ द वे लॉस्ट गॉड, लेकिन है भगवान की आर्मी. सिग्नल फ्लेयर्स यदा कदा कहीं, सिग्नल फ्लेयर्स अगेन जो आर्मी में ये होता है कि आपको लोकेशन पता करनी कि किधर जाना है, आप जंगल में जा रहे हो, अंधेरा आपको पता नहीं है, और ये बड़ा एक डेडली चीज होती है जब आप सिग्नल फ्लेयर करते हो कि आप देख पाओ क्षेत्र को, आप लाइट अप करते हो कि कोई शत्रु तो नहीं बैठा है, वो रास्ता तो ठीक है. अनफॉर्चुनेटली आप अपनी पोजीशन भी दे देते हो. दैट्स व्हाई यू कैनॉट यूज इट ऑफन, बट यू हैव टू यूज इट टाइम टू टाइम. देयर इज अ सिग्नल फ्लेयर, ये दिशा वो दिशा, एंड मार्च इज द आर्मी ऑफ द वे लॉस्ट गॉड. बट नाउ कम्स द पंच लाइन, देन लेट द जॉय इनएफेबल इज फेल्ट. लास्ट में सब महाभारत पूरा हो जाता है तो क्या बचता है? यही तो धृतराष्ट्र ने पूछा था संजय से कि सब कहते हैं ये भगवान है, ये कैसा भगवान है, सबको मार डाला, ये कैसा भगवान है? तो संजय कहते हैं आप आंख से भी अंधे हो और अपने अकल से भी अंधे हो. थैंक यू. कहते हैं जब लोग भूल जाएंगे, डिबेट करेंगे कि वार हुआ था कि नहीं हुआ था, डिबेट होगा, बुक्स लिखी जाएंगी, हार्वर्ड स्कॉलर्स ये प्रूव कर देंगे कि 40% वार हैपेंड, 60% इट डिडंट हैपन, ये प्रूव कर देंगे वो, और इंडियंस मान लेंगे क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये थीसिस है. कहते हैं लेकिन दो चीजें नहीं भूलेंगे, भीम था कि नहीं, अग्नि अस्त्र था कि नहीं, ब्रह्मास्त्र था कि नहीं, ये कल्पना थी क्या, क्या वास्तव में ऐसे वेपन्स होते थे, क्या वास्तव में ऐसे चैरियोटियर होते थे, क्या सच में भीम थे जिनके अंदर हजार हाथियों का बल था? लोग डिबेट करेंगे लेकिन दो चीजों पर डिबेट नहीं करेंगे, वो इंस्पायर करेंगी मैनकाइंड को. एक तो वो विजन ऑफ बैटल जो मैंने देखा है ना बैटल फील्ड पर, राजन तुम भी नहीं देख पाए, आंख वाले भी नहीं देख पाए, वो विजन लोगों को डेफिनेटली इंस्पायर करेगा. दूसरा जो मैंने सुना और तुम नहीं सुन पाए और भीष्म और द्रोण भी नहीं सुन पाए, केवल अर्जुन ने सुना, द मैसेज ऑफ द गीता. अब देखिए महाभारत पे डिबेट कर सकते हैं, भीम अर्जुन इत्यादि के हिस्टोरिसिटी पे डिबेट कर सकते हैं, इवन कृष्णा की हिस्टोरिसिटी डिबेट कर सकते हैं. क्या आप गीता पर डिबेट करते हैं कि गीता है कि नहीं है? इट विल बी अब्सर्ड. गीता है, अब डिबेट किस पर होता है कि वॉट इट कन्वेज टू अस, बट गीता है सर्वाइव्ड. उसी प्रकार से जब जन्म जन्मांतर इस बैटल से हम गुजरते हैं, अंत में क्या सर्वाइव करता है, दैट इज ट्रूथ. और वो सर्वाइव जो करता है वो ज्ञान है, वो एसेंस है, वो लाइट है, वो लव है, वो इमोर्टैलिटी है, वो फ्रीडम है, वो इन्फिनिटी है. सो लास्ट में से देन एट लास्ट द जॉय इनएफेबल इज फेल्ट, बट द महाभारत इज देयर थ्रू विच वन हैज टू पास. यही गांधारी का भी प्रश्न है, भगवान ने तो युद्ध रोक क्यों नहीं दिया उन्होंने? युद्ध रोक देते तो गीता नहीं मिलती,
गीता के ज्ञान के अधिकारी नहीं बनते, अर्जुना इज अधिकारी, यू हैव टू गो थ्रू द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ. माँ कहती है डिवाइन ब्लेसिंग्स, डिवाइन ग्रेस आर नॉट मेंट टू गिव अस एन ईजी लाइफ. एक जगह कहती माई ब्लेसिंग्स आर वेरी डेंजरस, दे आर नॉट मेंट टू मेक द लाइफ ईजी, बट दे आर मेंट टू टेक यू थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ टूवर्ड्स द डिवाइन. वी वॉन्ट एन ईजी लाइफ, नो बैटल इज देयर. Then he remembers his forgotten self. He has refound the skies from which he fell. Then he remembers. अरे मैं कैसे नहीं जान पाया, मैं तो ये हूं, मैं तो सदैव तुम्हारा सेवक हूं, मेरे तो जीवन का ही प्रयोजन था, मैं कहां भटका हुआ था. What is that story of हनुमान जिसकी बात हुई. Then he remembers his forgotten self and remember the skies from which he fell. प्रयास कर रहे थे ना प्रीमैच्योरली सूर्य के पास जाने का, तो ही फेल डाउन. स्टोरी नो, एज ए चाइल्ड हनुमान वांट्स टू लीप एंड टेक द सन, तो हनुमान चालीसा में आता है. हाँ क्या है वो हनुमान चालीसा बड़ा, हाँ सेव, लेकिन हनुमान चालीसा में लाइन क्या है, रवि भक्ष लियो करेक्ट, तब तीनों हो लोग भयो अंधियार हो. ओ, इंद्र कहते हैं ये क्या हो रहा है, दिस इज चेंजिंग द कॉस्मिक लॉज, तो उनको नीचे गिरा देते हैं और विस्मृत भी हो जाते हैं, वो ऋषियों का श्राप, तो वो भूल जाते हैं मैं कौन साधारण बंदर है. पर जब उनको स्मरण आता है, कब स्मरण आता है, व्हेन ही इज वर्किंग फॉर द डिवाइन, देन ही इज टोल्ड बाई जामवंत, यू डोंट नो वॉट यू हैव डन, यू आर सच ए नॉटी चाइल्ड, दैट्स वाई एवरी नॉटी चाइल्ड हैज ए लिटिल हनुमान इन हिम. Naughty children are the hope of the future. क्या पता किसके अंदर कौन सा हनुमान बैठा हुआ है. तो वो तब उनको स्मरण आता है कि अरे I have fallen from those skies. मेरा home है, I can fly. That's what you know. He remembers the height from which he fell. At length his front's indomitable line forces the last passes of the ignorance. Advancing beyond nature's last known bounds, reconnoitering the formidable unknown, beyond the landmarks of things visible, it mounts through a miraculous upper air, till climbing the mute summit of the world, he stands upon the splendor peaks of God. वो करने के लिए तैयारी है, ऐसे नहीं मिलता है. शेरविन ने एक पैसेज लिखा है, एक आर्टिकल ऐसे, द लॉ ऑफ द वे, वो कहते हैं तुम्हारे मार्ग में हेल विल वॉमिट इट्स होर्ड्स एंड हेवन विल ल्योर दी एंड मीट दी विद इट्स कोल्ड एंड ल्यूमिनस एंड पिटीलेस डिनायल्स. रास्ता नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि अब कोई मार्ग नहीं दिख रहा, यू हैव टू स्टिल होल्ड ऑन एज ए लोनली वॉरियर. लोग गिव अप कर देते हैं, ये तो वो तो टेस्ट करने आया था, वो जाके बोलेंगे वेरी गुड वेरी गुड, वी हैव failed him, but you have to hold on. That's the whole spirit. So, aur wo kehte hain, but then is the cup of immortality for the weak, or a crown to be given without paying the price. Iska ek mulya hai, aise nahi milti hai ye cheez. To yahan par uski baat ho rahi hai. He stands upon the splendor peaks of God. In vain thou mournest that Satyavan must die. अब context आ गया, नारद ये बात समझा रहे हैं रानी को. तो कहते हैं आप रो बिलखो, सत्यवान की मृत्यु तो होगी. और सावित्री वो बल लेकर के आई है, शक्ति टू फाइट विद दिस फेट. तो आपके रोने बिलखने से ये फेट नहीं बदलेगा, क्योंकि इसका सीक्रेट उन्होंने दे दिया. शी हैज चोजन टू टेक अपॉन हरसेल्फ दिस डेडली गेम, आफ्टर ऑल शी इज एन एक्सपर्ट वॉरियर, शी इज नॉट गोइंग टू प्ले एन ऑर्डिनरी गेम और कम डाउन जस्ट टू प्ले ए नॉर्मल गेम ऑफ लाइफ. हिज डेथ इज ए बिगिनिंग ऑफ ग्रेटर लाइफ, व्हेन वी डाई टू द ईगो वी आर बॉर्न टू ए न्यू लाइफ. सो अवर डेथ, इवन अगर हम दूसरे सेंस में लें, अवर ओल्ड सेल्फ मस्ट डाई फॉर द न्यू सेल्फ टू इमर्ज. अगर हम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम वही पुराने मेरे संस्कार, मेरे विचार, मेरा ख्याल, मेरा मेरा मेरा,
तो भगवान कहेगा ठीक है मेरा 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 रहने दे, और जब हम कहते तेरा 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 है ना, तो भगवान कहता अच्छा अब नाउ यू आर रेडी। तो वो तेरा तेरा कैसे कहलवाते हैं, जब हम कहते हैं मेरा भगवान छीन लेते हैं, फिर इसको भी कहते हैं मेरा वो भी छीन लेते हैं, ये मेरा तो आप घबराने लगते हो कि मेरा बोलो तो छीन लेगा। यू लर्न द ट्रिक ऑफ द ट्रेड कि मेरा बोला और वो गया। पहले तो नहीं करते ऐसे, पहले मेरा वो कहते हैं ले ले, मेरा वो भी ले ले, फिर बाद में वो गेम के रूल्स चेंज करते हैं मैच्योर सोल के साथ, मेरा ले लिया मैंने चल। ऐसी तो युधिष्ठिर का सारा राज्य चला गया ना, राज भाई बहन सब चले गए, इज्जत चली गई, धन चला गया, कहते तू सब कहता ना मेरा मेरा, अब तैयार हो मेरे काम के लिए। तो बेचारे जंगल में जाके फिर परिपक्व होके आते, कहते अब क्या है, नहीं तेरा तेरा तेरा, राज्य किसका तेरा, वाइफ किसकी तेरी, हस्बैंड किसका तेरा, बच्चे किसके तेरे। एक्चुअली नलिदास से किसी ने पूछा, माताजी को कंप्लेंट किया, नलिदा वी नो इतने साधक, ही हैड फोर चिल्ड्रन फोर सन्स, और नलिदा अपने रहते थे अपने मगन अपने उसमें माताजी का काम सेवा, तो किसी ने कंप्लेंट किया माँ को ये बच्चों का अपना ध्यान नहीं रखते हैं। तो माँ ने पूछा उनसे बुला के, व्हाट नलिनी आई एम हियरिंग कंप्लेंट फ्रॉम पीपल दैट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर चिल्ड्रन। तो नलिदा वैसे तो बहुत ग्रेव फेस उनका, स्माइल्स एंड से मदर बट दे आर योर चिल्ड्रन। फिनिश्ड कन्वर्सेशन, 2 मिनट्स कन्वर्सेशन, ऑल राइट। कोई लेक्चर नहीं दिया उसके आगे, नहीं तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम आखिर पिता हो, हाइएस्ट लॉ ऑफ ट्रूथ क्या है, when that becomes active in your life then you can discard these lesser truths, these are lesser truths on the way। agar wo sach nahi hai to theek hai aap kariye, aap kar rahe ho, par agar wo highest law activate ho gayi then they are mere bachche ka hai, mere through aaye hain par aapke hain, khalil gibran ko upgrade kar diya। khalil gibran kya kehte, your children are not your children, they are shot by times, yahan to unhone usko further le gaye, your children are not your children, we are trustees, you are the original parent, जिम्मेदारी आपकी है मेरी जिम्मेदारी से पहले। तो भगवान फिर कहेगा चलो किसी को तो याद आया कि मेरी भी जिम्मेदारी है, ये तो सारी जिम्मेदारी लेके बैठा था। सो इट इज ए चेंज ऑफ द ओरिएंटेशन, सत्यवान मस्ट डाई, डेथ इज द स्पिरिट्स अपॉर्चुनिटी, लुक एट दिस। When you lose something, then you are ready to gain something. When a door closes, another door is there to open. A vast intention has brought 2 souls close. And now look at the punchline. And love and death conspire towards 1 great end. Ye Shrivind ki beauty hai. Last mein wo 1 ki or le jate hain. Aap kehte ho ki ye favorable hai. Aap kehte ho ye against hai. Aap kehte ho ye adverse forces hai. Ye helpful forces hai. But in the end, live in the state of oneness that everything is conspiring towards 1 great end. For out of danger and pain, heaven bliss shall come. Sagar manthan to karna padega. Aise nahi hoga ki aisi bliss aa jayegi, immortality aa jayegi, baithe baithe aa jayegi. Aise nahi hoga. There is the inner war without escape. टाइम्स, अब देखिए कितना रीअश्योरिंग है ये, कार्मिक लॉ का पूरा उन्होंने सेंस चेंज कर दिया, अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले ली। टाइम्स अनफोर्सीन इवेंट, गॉड्स सीक्रेट प्लान, अब ले लीजिए इसको, कार्मिक लॉ से एक्सप्लेन करिए, आप कह रहे हैं इसके कर्म उसके कर्म, गॉड्स सीक्रेट प्लान। दिस वर्ल्ड वॉज नॉट बिल्ट विद रैंडम ब्रिक्स ऑफ चांस, a blind god is not destiny's architect, a conscious power has drawn the plan of life, there is a meaning in each curve and line, it is an architecture high and grand। wo jo kal baat ho rahi thi, law of karma is not just 1-to-1, it's a great architecture in which all of us are little squirrel or monkeys in that plan।
सो केवल ये कह देना कि मेरे कर्म मेरा फल, तो हमने तो कट ऑफ कर दिया फ्रॉम द ग्रेट ग्रैंड आर्किटेक्चर. इट इज एन आर्किटेक्चर हाई एंड ग्रैंड बाई मैनी नेम्ड एंड नेमलेस मेसन्स बिल्ड इन विच अनसीइंग हैंड्स ओबे द अनसीन. हमको लगता है मैंने किया, मेरे से हुआ, उसने किया, उससे हुआ, बट देर इज बिहाइंड इट द अनसीन. सीक्रेटली ही हैज सेड ओके लेट दिस हैपन. वाई? बिकॉज इट्स सीक्रेट प्लान. ही इज मेकिंग अस ग्रो थ्रू दैट एंड ऑफ इट्स मास्टर बिल्डर्स शी इज वन. सावित्री इज वन एंड ऑल ऑफ अस कैन बी एटलीस्ट ए लिटिल बिट ऑफ मेसन इन दिस बिल्डिंग ऑफ द ब्रिज नो मोर बिटवीन लंका एंड धनुषकोटी बट बिटवीन ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड द डिवाइन कॉन्शियसनेस. So we'll stop here. It's 12. We have 10 minutes. If there is any questions, if yes, please. You talk about journey of the soul. In Sanatana Dharma, we have the Garuda Puran, which tells us the journey of the soul. बड़ी बड़ी भयानक है जी. Christianity, we have Dharma's and कोई 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 बहुत ही माइंड जिसका पता नहीं क्या स्टेट में थे जिन्होंने लिखी थी. ऐसी ऐसी विकृत चीजें बढ़ती उसमें. ऑनेस्टली आई मीन इफ यू आस्क मी दिस व्हाट आई एम सेइंग, इट्स नॉट अबाउट वेदर यू हैव डन पुण्य और पापा. द होल आइडिया दैट समबडी कुड क्रिएट सच वर्ल्ड्स इज जार्स विद. दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग एज ह्यूमन कॉन्शियसनेस एडवांसेस वी आर पास्ट द एज ऑफ पुराणास. अगेन एंड अगेन शुभिंदु सेज दैट यू नो वी हैव गॉन बियॉन्ड द एज ऑफ द गॉड्स. But we still want to remain stuck with the past. This is our tragedy. Human consciousness moves forward. Let's move forward now. सच बात है. वो मैंने बचपन में पढ़ी थी तो मुझे लगा ऐसा भगवान होते कहाँ रौरव नरक और कुंभी पाक और खोलते तेल में डाल दिया. कोई ऐसा पनिशमेंट तो इंडियन पीनल कोड में नहीं है. अज्ञान में हम कर्म कर रहे हैं और उसके लिए इतना बड़ा. अच्छा इसमें भी देखिए शेरविंद इसको बड़े ह्यूमरस लेते हैं. एंड डबल पनिशमेंट एंड डबल रिवार्ड. पहले तो आप वहां जाके वो कुंड में खोलते कुंड में आप जो भी होगा आपका, उसके बाद आप यहां पर आके आप को चैलेंजेस होंगे क्योंकि आपने पाप किए थे. अब एक तो करो ना, वहीं पर कर दो सॉर्ट आउट. वहीं पर सॉर्ट आउट किया. अच्छा इसने इतना हो गया. अब जब डल गए तेल में हम तो ये आधा अधूरा पनिशमेंट क्या, खत्म कर दो तेल वाला पार्ट. लेट्स कम बैक विद अ क्लीन स्लेट. अब डबल पनिशमेंट इक्वली डबल रिवार्ड. पहले तो उसने अच्छे कर्म किए थे स्वर्ग गया, वहां उसने सोमरस पिया, डांस देखा, संगीत सुना. स्वर्ग की भी कल्पना बड़ी विचित्र है. मतलब ह्यूमेनाइज स्वर्ग है वो. स्वर्ग कोई ह्यूमन एक डिस्कोथेक जैसी है. थोड़ा 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 डिफरेंट बस ये पता नहीं उनको कैसे ये सब बादल वादल का ये एक आइडिया. ये तो और भी अब पिक्चरिस्क हो गया है थ्रू यू नो थैंक्स टू द टीवीज. स्वर्ग हैज बिकम मोर लाइक यू नो फ्लाइट में आप जा रहे हो तो जैसे बादल दिखाई दे रहे हैं. सो वो स्वर्ग हो गया. अंदर में चैनल म्यूजिक बज रहा है, सब अच्छे अच्छे कपड़ों में बैठे हुए देवता देवी अप्सराएं सब. यू नो यू कैन सी नाउ दिस इज ऑब्वियसली ए ह्यूमन कंसेप्शन ऑफ ट्रूथ. ये इट्स वेरी क्लियर एट द फेस ऑफ इट. और हर चीज जो लिखी हुई है स्क्रिप्चर्स में वही जो बात हो रही थी. इसीलिए श्री कृष्ण ने कॉशन किया कि गो बियॉन्ड द रिटन वर्ड, गो बियॉन्ड द स्पोकन वर्ड. कितनी सुंदर बात बोली, शब्द ब्रह्म अतिवर्तते. ऑल द स्क्रिप्चर्स का सार क्या, रियलाइज द वन इनसाइड, रियलाइज द सुप्रीम, ही ड्वेल्स विद इन यू. दिस इज द सार ऑफ द वेदास, द उपनिषद्स, द गीता. बाकी सब तो बाय द वे है. और दूसरी बात है कि अब ये सीक्रेट तो बाद में पता चली कि अगर भगवान साथ में हो तो कुंभी पाक भी कुंभी पाक नहीं लगता. वो भगवान कहते चल मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, चल खोलते तेल में. तो वहाँ फिर वो बाद में पता चला कि वो प्रहलाद के साथ क्या ट्रिक किया था उन्होंने. प्रहलाद तो बैठ गए थे अग्नि के ऊपर, बुआ ने ही उनको धोखा दे दिया. और वो क्या हुआ कि वो हवा आई और वो शॉल उड़ करके उनके ही उस पर ही डिंट डाई और वो दुआ मर गई. तो ये सीक्रेट तो ज्यादा बड़ी सीक्रेट है जो गरुड़ पुराण नहीं बताती है.
कि भगवान का नाम जो ले रहा है वो स्वर्ग नरक दोनों से अनहार्म्ड जाता है। माता जी ने तो एक पैसेज क्रिएट किया है, मदर स्पीक्स अबाउट इट, कि अल्जीरिया में उनका एक काम था टू क्रिएट ए पैसेज थ्रू द डार्क वर्ल्ड्स, क्योंकि वो जानती थी, अब ये नहीं कुंभी पाक वगैरह, बट इट्स ए डार्क पैसेज, पेनफुल पैसेज, दैट इज द ट्रूथ ऑफ द मैटर, बाकी अपनी मन की विकृत कल्पनाएं हैं। तो माने क्या किया कि एक पैसेज बनाया, क्योंकि इट वॉज वन ऑफ हर वर्क्स, नॉट द मेन वर्क, वन ऑफ हर वर्क्स, कि अगर किसी के अंदर थोड़ा सा भी फेथ है इन एनी फॉर्म टुवर्ड द डिवाइन, वो उस सेफ पैसेज में आ जाएगा। इट्स लाइक आपका हाइपर लूप, हाइपर लूप अभी बनने वाला है ना, ये ओरिजिनल हाइपर लूप है, तो आप बॉम्बे टू पुणे 20 मिनट, तो आप उस ट्रैक में डाल दिया गया एंड यू विल एंड अप, देयर इज पॉसिबिलिटीज, अब हाइपर लूप इज द बिगनिंग ऑफ यू नो टाइम ट्रेवल, वेयर थ्रू द वॉर्म होल यू कैन स्लिप इन टू स्पेस एंड गो इन टू टाइम। सो दीज आर इंडिकेटर्स इन आउटर लाइफ ऑफ इनर रियालिटीज। सो अब उसमें आप जा करके सेफली विदाउट मच वरी अबाउट द वाइटल वर्ल्ड्स यू कैन रीच द डिवाइन सोर्स। सब वो कुंभी पाक वगैरह तो फास्ट फॉरवर्ड जा रहा है, स्टेशन कौन सा आया, ये कुंभी पाक है, जिसके इसके पहले कि आप अटल करोगे ये रौरव चला गया जी, वो क्या है, वो हेवन है। अच्छा रुको, नहीं नहीं ये बुलेट ट्रेन रुकती नहीं, हाँ ये सीधा वहां रुकती है सुप्रीम जंक्शन पे। और अब दूसरी इससे भी आगे जो माँ के नाम का स्मरण करते हैं, माँ ने तो स्पष्ट कहा है उनके लिए, दे डोंट गो टू डेथ, हर एंजल कम्स, उसको डिस्क्राइब भी किया उन्होंने, इनफैक्ट ही इज लाइक ए गरुड़ा, लाइक एन ईगल, एंड ही कम्स एंड टेक्स हिम टू शुरबिंदोज अबोर्ड। हम लोगों को अब वो लेना देना नहीं कोई उससे, किसने लिखा पता नहीं क्यों लिखा, मुझे भी बहुत विकृत चीज लगी, आई एग्री विद यू। हाँ हाँ ये सब मुझे लगता है कई चीजें जो उस समय आई देवेर टू काउंटर एक्ट, यू आर एब्सोल्यूटली राइट इन द मेनी सच थिंग्स केम ऑफ ए इटर्नल डैमनेशन हेल। अब अच्छा क्रिश्चियनिटी में भी कैसे आई, 300 साल बाद आई, बेचारे क्राइस्ट ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, वी शुड यू नो लेट हिम रेस्ट क्वाइटली, ही डिड ए वेरी गुड वर्क एंड ही केम टू अवेकन मैनकाइंड टू द नीड फॉर फ्रीडम, ही टॉट कंपैशन, ब्रदरहुड, वंडरफुल टीचिंग्स, बुद्धास टीचिंग्स इन अ वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट। तो क्राइस्ट तो बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी है, पर वो 300 साल बाद वो आए ना वो पॉल, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे तो कोई मुड़ता नहीं है, अब कुछ तो करना है, तो उन्होंने स्वर्ग नर्क बना दिए, इटर्नल डैमनेशन बना दिया, केवल क्राइस्ट के नाम के थ्रू आपको सेव मिलेगा। तो इसी तरह तो वो बर्थ हो गया। अब जब इधर देखा सनातन धर्मियों ने, तो उन्होंने कहा हम भी कोई कम थोड़ी हैं, आपकी आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन है, हमारी भी क्रिएटिव इमेजिनेशन है, हम पुराणों में तो आप ऐड करते जाइए, कौन सा पुराण ऑथेंटिक है कौन सा नहीं है, नाउ इट्स ए क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, सम पुराणस आर ऑथेंटिक। तो उन्होंने भी पुराण, अग्नि पुराण लिख दे रहा, पुराना भागवत पुराण, विष्णु पुराण, दिस वेरी ऑथेंटिक पुराना। तो अब उन्होंने शिव पुराण इज नॉट रिगार्डेड ट्रेडिशनली एज ऑथेंटिक, बट इट हैज यू नो इट्स वेरी पावरफुल एंड देयर लॉट ऑफ सटल ट्रूथ। बट अब उन्होंने एक इतने पुराण बना दिए, अब उसमें यू डोंट नो किसने क्यों लिखा, एंड आई क्वाइट एग्री विद यू, दिस थॉट इज अकर्ड टू मी ऑल्सो समटाइम्स, कि लुकिंग एट क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम जो इन्वेट कर रहे थे, कई सारे पोस्चर्स हम लोगों ने अडॉप्ट किए, कई टीचिंग्स को परवर्ट करके, क्योंकि शायद उस समय जरूरी भी था टू डिफेंड योर सेल्फ, कि नहीं जी हमारे यहाँ भी नरक है, ये कोई कंपटीशन है कि नरक का कंपटीशन हो रहा है, आप पनिश करते हो उससे ज़्यादा हम पनिश करते हैं, इट इज सिली। सो यू नो इट्स प्रॉब्ली ए रिजल्ट ऑफ दैट एंड द टाइम हैज कम टू डिस्कार्ड ऑल दीज थिंग्स, दे हैव नो सेंस एट ऑल, द रियल ट्रूथ इज टू फाइंड द डिवाइन इनसाइड एंड बिकम वन विद हिम। वो बन रहा है ना अभी, हम लोगों ने वो 12 क्वालिटीज माने, बाय द वे ये भी कहा है कि ये चेंज होती रहती हैं, ये डायनामिक सिंबल है, मेनी पीपल डोंट नो दिस, पीपल फिक्स दीज क्वालिटीज, इजंट इट, दैट्स हाउ वी लुक एट इट, सब जगह यही बताया जाता है, यू नो व्हाट मदर हैज सेड, दीज क्वालिटीज चेंज, बट शी इज नॉट टोल्ड व्हाट शी हैज सेड, डिपेंडिंग दे मे अज्यूम डिफरेंट नेम्स। सो ये केवल 12 क्वालिटी नहीं है, ये अनंत गुण है, पर इट्स ए डायनामिक सिंबल, सो दे विल चेंज, दे विल ग्रो, देयर सेंस विल ऑल्सो ग्रो। तो ये बाहरी जो 12 क्वालिटी है, मैं समझता हूं ये इंडिस्पेंसिबल है फॉर द न्यू क्रिएशन, दैट्स व्हाट मदर हैज सेड, दे आर
needed for the new creation. But they are not limited to 12. There are many other things which we should develop. And one place which I find very similar, like a parallel, is the Gita's 16th adhyay, where you have the Devasuri Sampada. So, हमको उनको develop करना चाहिए अपने अंदर. Develop करने का तरीका एक तो जीवन के अनुभव है, दूसरा माता जी है, माँ मेरे अंदर इसकी कमी है. Let me develop it, you know, meditate upon one quality. इसीलिए अब मातृ मंदिर में जो 12 petals हैं, तो petal meditation क्या है? उन्होंने एक quality रखी है. So it is so true, you can meditate upon peace, can meditate upon equality, to just to develop it. Of course, center में माँ है. तो जस्ट एज वहां पे सेंटर में अवतार हैं, हियर मदर. तो अगर ईगो सेंटर में है तो माँ का सिंबल नहीं है. सेंटर तो माँ होनी चाहिए. इन 12 क्वालिटीज में भी 8 आर मेंट फॉर रिलेशन विद द डिवाइन, 4 आर मेंट फॉर रिलेशन विद द ह्यूमैनिटी. एनीवन रिमेंबर्स इट? इट बी नाइस इफ सम. Wonderful. Yes. So it is not just 12 qualities like that. We can repeat it. The last 4, or whichever way we look at it. Progress. Sorry, peace, equality, generosity, and goodness. Peace, equality, generosity, and goodness. लोगों के प्रति हमें कैसा होना चाहिए? उदारता का भाव, goodness का भाव, equality, समता का भाव, शांति. और बाकी जो चीजें हैं, विच इंक्लूड सिंसेरिटी. सिंसेरिटी इज नॉट टूवर्ड्स एक्स और वाई, टूवर्ड द डिवाइन. ह्यूमिलिटी टूवर्ड द डिवाइन. ग्रेटिट्यूड टूवर्ड द डिवाइन. तो वो सारी टूवर्ड्स द डिवाइन. सो वी हैव टू डेवलप दीज क्वालिटीज. वी कैन नाउ रीड द लिस्ट. लेट स्टार्ट विद एस्पिरेशन, और लेट स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी स्टॉप्ड. करेज इन अवर प्रोग्रेस टूवर्ड द डिवाइन, प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ द डिवाइन, receptivity to the divine, aspiration for the divine, perseverance on the path towards the divine, gratitude toward the divine, humility before the divine, and sincerity in our aspiration and journey towards the divine. Towards human being, peace. Don't lose your cool. And very simple. Log hain jo hain, ab kya kar sakte hain hum unka? Sab imperfect hain. Hamam mein sab nange. Let's not point out fingers. Have peace inside. Equality, samta ka bhav. Criticize kiya, praise kiya, etc., etc. Generosity, udarta ka bhav. Jo apne upar kaare karta hai, uska ek lakshan hota hai ki wo generous ho jata hai towards others. Mother has used the word sunny tolerance. Jo bahut hi asahishnu, are holier than thou attitude, matlab usne apne upar kaam nahi kiya hai. Jab aapke upar kaam hota hai, tab aap realize karte ho kitna difficult hai ye raasta. और चौथा इज गुडनेस. लेट अस हैव गुडविल टुवर्ड्स ऑल. हाँ, आप कुछ कह रहे थे. हाँ, वो अलग है. वो सेंटर ऑफ एजुकेशन का सिंबल है. उसमें देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मदर एंड शिवरबिंदो सिंबल. और वो सिंबल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, आपने अच्छा नोट किया है. वो कॉम्बिनेशन है. देखिए, वो कौन आते हैं सेंटर ऑफ एजुकेशन में? बच्चे आते हैं. नाउ व्हाट आर चिल्ड्रन? ऑफ स्प्रिंग्स. दे आर सिंबल ऑफ ए डिवाइन ह्यूमैनिटी. द टू टुगेदर क्रिएट ए डिवाइन ह्यूमैनिटी अपॉन अर्थ. सो वी बिकम देयर ऑफ स्प्रिंग्स इन दैट सेंस. इट्स अ वेरी डीप सिंबल. सेंटर ऑफ एजुकेशन जब बना था तब माने वो सिंबल दिया था. और भी सिंबल्स हैं. ऑरोविल का सिंबल है, डॉट एट द सेंटर विथ 5 पेटल्स अराउंड. वो वैसे यूनिटी एसेंशियली. हाँ, आई हैव टू चेक इट, बट यू विल फाइंड इट ऑल इन कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मदर, मोस्ट लाइकली वॉल्यूम 13. सारे ये सिंबल्स के मीनिंग, इफ यू वॉन्ट टू चेक, कैन चेक इट देयर. It's possibly unity with 5 psychological perfections needed, but we'll check it. And okay, so we'll meet again 5 to 6.